हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से। और सबसे पहले मैं ई लर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म को थैंक्स बोलना चाहता हूँ दिल से, और दुर्गेश सर को दिल से थैंक्स, क्योंकि सर ने सुपर टेट के, आप लोगों ने देखा होगा, नोट्स ये जो तैयार करे हैं, ये बहुत ही बढ़िया नोट्स तैयार करे हैं। इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। मेरे पास सारे नोट्स हैं क्योंकि मैंने घर बैठे ये नोट्स मंगाए हैं। ऊपर से मैं इस कोचिंग का ना प्रसार कर रहा हूँ ना प्रचार कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अगर कोई ये कहे ये नोट्स खराब हैं या कहते हैं, तो मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि ये नोट्स आप देख रहे हैं ना, लगातार मेरे हाथ में बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद पढ़े, इसलिए मैं इन नोट्स पर बहुत विश्वास करता हूँ। जिसके पास एनसीईआरटी आजी नहीं पढ़ सकता, वो इस नोट्स को पढ़ेगा तो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इस नोट्स में है और है। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इस वीडियो में। अगर कोई ये कहता है कि सर ने, आप देख सकते हो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा जो चीजें सर ने दे रखी है, ठीक है, आप देख सकते हो, सोरो मेला कासगंज एटा, ये शायद सपूर क्षेत्र का है, जो बदायूं, कासगंज, एटा, बरेली, बदायूं के रहने वाले होंगे मुख्यतः, ये लोग इस मेले को जानते हैं, अदरवाइज यूपी में कमी लोग सोरो का मेला जानते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात पे आता हूं मैं, ये आप देख सकते हैं नोट जो है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, एक चीज। अब मैं आपको इसमें कुछ दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस नोट्स को जब आप खोलेंगे तो इस नोट में 1857 का विद्रोह दिखेगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी पैटर्न है, सब कुछ ठीक है। और वही मैं आपको ये बुक दिखा दूं, ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मली बुक से पढ़ता हूँ एनसीईआरटी पैटर्न पे लेके, 1857 का जो भी है यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, अब आप देखते जाइएगा, ठीक है, ये इतना लंबे आपको कई पेज पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आता है मुख्य कारण, जो सर ने नोट्स में भी दिया है, यहाँ भी लिखा है, ये आप देख सकते हैं, नए चर्बी लगे कारतूतों का प्रयोग, भाई सर ने नोट्स में लिखा है। जब सर ने नोट्स बनाए एनसीईआरटी पे, तो हमें इतनी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत क्या है, हम सर के नोट्स पढ़े ना। दूसरी एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, और दिखाए बिना मानूंगा भी नहीं, क्योंकि सर के नोट्स इतने बढ़िया हैं, सर ने फीडबैक हम लोगों से कहा है, तो मैं फीडबैक वीडियो दूंगा। मैं इस कोचिंग का प्रसार प्रचार नहीं कर रहा हूं, आपका मन हो तो आप नोट्स मंगाएं, आपको इस बार एक सीट हमार करना हो तो नोट्स मंगाओ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सर ने लिखा है, इसमें आप बुक में देख सकते हैं ना, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब यही लाइन आप देखिए, सर ने भी लिखी है, ये लिखा हुआ है के समय में, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई ये लाइन और ये दी हुई, ठीक है। जब ये सब कुछ सर के नोट्स में है, तो मैं इतनी मोटी बुक्स पढ़ूं और निकालूं, और जबकि सर ने ऑलरेडी इतनी इतनी मोटी बुकों से एनसीईआरटी पैटर्न से ये सब कुछ निकाल के दिया है, तो जरूरत क्या है। अब अदरवाइज आप कहेंगे कि मैं एक सब्जेक्ट नहीं, मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी प्रूफ दूंगा, और बिल्कुल दूंगा 100%। शिक्षण कौशल आप लोग देख सकते हैं, शिक्षण कौशल नोट्स भी देख लीजिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ही है, हस्त लिखित नोट्स है जो मैंने अपने घर बैठे मंगाया है। अब मैं इस नोट्स को खोलता हूँ, और मैं इस नोट्स के अंदर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, ज़्यादा अंदर भी नहीं जाऊँगा, थोड़ा नोट, यहाँ ठंडी बहुत हो रही बरेली में, क्योंकि ये थोड़ा उत्तराखंड के पास पड़ता है, इसलिए शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, और यहाँ लिखा है शिक्षण, ठीक है। अब मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ, आपने इसमें डेफिनेशन पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया ना, अब आपने पलटा नेक्स्ट पेज, सिर्फ एक पेज पलटना है, एक पेज पलटने के तुरंत बाद यहां होती है परिभाषाएं शुरू, ठीक है। ये रहा ई लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स, वहीं अगर मैं इस सब्जेक्ट को एक बुक से पढ़ूंगा, अगर वहीं मैं एक बुक से इसको पढ़ता हूं, तो आप देखिए, सबसे पहले मैं यहां से शुरू करूंगा, एक दो पूरी थ्योरी पढ़ूंगा, इतना लंबा पढ़ूंगा, और जैसा कि आप सर के नोट्स में देख सकते हैं, बीओ स्मिथ, ठीक है, मैं इतना अंदर आके पढ़ूंगा बीओ स्मिथ यहाँ पे, और सर ने नोट्स में दे रखा है,
अगर मैं इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ सकता हूँ तो कम समय में मैं ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट से पढ़ सकता हूँ। सर ने मुझे लिया था स्टेपर लगा के, मैंने अपने पढ़ने के हिसाब से इसे कर लिया देसी बाइंड। यह आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ तीसरे सब्जेक्ट की बात। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप बुकों से भी मिला लीजिएगा। एनसीईआरटी पैटर्न पे बिल्कुल सर के नोट्स हैं, बिल्कुल एकदम डिक्टो। अगर मैं बात करूं, ये हमारा पर्यावरण के नोट्स हैं, देख लीजिए, दिख रहा है ना बिल्कुल ठीक से। अगर आपको मेरी बात पर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं तो दूर करूंगा। अब आप देख सकते हैं सर ने ये लिखा है, नीला ग्रह, लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अब आप देखिए कमाल सर के नोट्स का, ये सब चीजें बुक के काफी अंदर मिलती हैं एनसीईआरटी में, अगर आप डीपली पढ़ेंगे तब। अब एक ये सामाजिक अध्ययन की बुक है कोई, सर ने भी बताई थी, अगर आप लोगों ने सर का वीडियो देखा हो, आप कहीं मत जाइए, अध्याय नंबर 6, ठीक। अब मैं एक अध्याय पढ़ूं, दो पढ़ूं, तीन पढ़ूं, चार पढ़ूं, उसके बाद पांच पे पहुंच के छठा पड़ाव जो आएगा वो आएगा मेरा ये। यहां दिया है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आप लोग देख सकते हैं, सर का नोट्स भी देख लीजिए, बृहस्पति दिया है ना। तो जब सर ने बुकों के अंदर से मैटर निकाल के दे रखा अपने नोट्स में, इन नोट्स में जो एनसीईआरटी पैटर्न सुपर टेट के नोट्स हैं आप देखिए, तो हम ये नोट से तैयारी क्यों नहीं कर सकते कम समय में, हम बेहतर कर सकते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं एक सीट हमार, सर का ये नारा है और सर का ये नारा हकीकत में बदलेगा। दूसरी चीज मैं आपको एक मिनट दिखाने जा रहा हूं, अगर आपको लगता हो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे सर ने नहीं बनाए, मैं आपको एक बुक और दिखाऊंगा, सर ने भी ये बुक आपको पहले दिखा रखी है, ऐसा नहीं है सर ने नहीं दिखाया है, सर की ही बदौलत मैं सीटेट पास हुआ हूं। सर ने जो जो बुक्स बताई वो बुक्स मैंने ली, परचेज की एनसीईआरटी की, मैंने उनको पढ़ा और सीटेट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला। अगर विश्वास ना हो, मैं अभी सीटेट की मार्कशीट नहीं लाया हूं, वरना मैं आपको दिखा देता। मैं चंद्र प्रकाश बरेली उत्तर प्रदेश से हूं, एक बार आप लोगों को फिर बता रहा हूं, बरेली उत्तर प्रदेश नाथ नगरी बरेली नगरी, जिसको आप जहां की जरीक माचिस और सुरमा नगरी नाम से जानते हैं। और अगर नंबर की बात करें तो यूपी 25 नंबर आता है, और मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो देख लीजिए, ज्यादा उसका समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, बस ज्यादा नहीं कुछ नहीं, आपने पढ़ा होगा सर के नोट्स में जीवाश्म कैसे कहते हैं, देखिए इस बुक में दिया हुआ है। अब इतने पन्ने पढ़ने के बाद हमें ये जीवाश्म वगैरह मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको जो दिखा रहा हूं बहुत ही सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ बड़ी कहानी नहीं है, पर सर के नोट्स बहुत बढ़िया हैं, ये मैं बोल सकता हूं, हर हाल में बोल सकता हूं। और आपने सर के नोट्स में भूकंप के बारे में पढ़ा होगा, भूकंप अधिकेन वगैरह, ये देखिए सब इस बुक में दे रखे हैं, हमको इतना अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, पर हम सर के नोट्स में पढ़ सकते हैं। सर का पर्यावरण का नोट्स पढ़ लीजिए, और आप देख सकते हैं सर ने आपको नोट्स में तटीय ये भी दिया है, ये भी दिया है, ठीक है। और तो और छोड़िए, मैं आपको एक बहुत चीज दिखाऊं, सर के नोट्स में आप ये जो देख रहे हैं ना विसर्प की बात हुई है, ये नदी का मोड़, नदी का मोड़ ये विसर्प, ये भी सर के नोट्स में मौजूद है। ये मेरे पास एनसीईआरटी की किताब है, और मैं आपको दिखा दूं ये एनसीईआरटी ही है, आप देख सकते हैं, ठीक। और ये सर ने भी अपनी वीडियो में दिखाई थी, ये बुक मैंने मंगाई थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं ओरिजिनल एनसीईआरटी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बुक मैं और दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप लोगों ने ईवीएस पढ़ा होगा, और बहुत ही बढ़िया चीज, मेरे बिल्कुल पेज खोला और सामने आ गई, पता नहीं कैसे। सर ने लिखा है नीला ग्रह, सर के नोट्स में है ये लाइन, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, ये लाइन एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, और सर के नोट्स में भी डिक्टो लिखी है, यानी कि ये बात प्रूफ है कि सर के जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न ही है, हम भरोसा कर सकते हैं। और सर के नोट्स वास्तव में ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जितनी तारीफ मैं करूं मैं कम ही कर रहा हूं, सर की तारीफ बहुत है। फिर आप देख सकते हैं ये डायग्राम यहाँ बनाया, पर सर ने इसको बहुत ही बढ़िया से डिफाइन करा है, आप देख सकते हैं। इसलिए हमें मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के सुपर टेट के नोट्स ही काफी हैं हमें किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए।
और जैसा कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, आप सब जानते ही हैं हमारे तुर्के सर पहले क्या करते थे। मैं भी बरेली में एक कैब ड्राइवर ही हूं और मैं भी सर को देख के मोटिवेशन हुआ हूं और मैं आज तैयारी पर लगा हूं। सर की वजह से मैं तैयारी कर रहा हूं और सर की ही वजह से मैं सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने किया और मैंने सीटेट पास किया सिर्फ सर को। इसलिए दुर्गेश सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। रुक गई ना, है रुक ना, रुक।